तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस ऑल वेल। इसी वीडियो में हम बॉलीवुड की कुछ नया नया अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे तनुश्री दत्ता, उन्होंने फिर से वापस बैक कर रहा है बॉलीवुड में एंड उन्होंने प्रिपरेशन भी ले रहे हैं एंड उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड सैफ अली खान, उसका जो रेवेन्यू लेते थे एक फिल्म करने के लिए, वो रेवेन्यू डबल कर दिया। इसके पीछे भी क्या स्टोरी है वो भी छोटा सा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। एंड फाइनली शाहरुख खान के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ ऋतिक रोशन फैंस, लेकिन क्यों उसके बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप भी ये चैनल में पहली बार है तो एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों के पास, चैनल को सब्सक्राइब के बिना कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर खबरें, न्यू गॉसिप्स, जो भी नया नया फिल्म रिलेटेड अपडेट सामने आते मैं ऐसे ही कवर करते रहता हूँ। तो बस एक ही सब्सक्राइब दबाना है, दबा दो और पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर खबर, न्यू अपडेट से अपडेटेड रहो। तनुश्री दत्ता, उन्होंने फिर से वापस बैक कर रहा है बॉलीवुड में, लेकिन उसका जो लास्ट बॉलीवुड मूवी था वो था अपार्टमेंट, जो कि 2010 में रिलीज हुआ था। एंड उसके बाद उन्होंने यूएस चला गया था एंड बहुत दिन उन्होंने लैम्पलाइट के सामने नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक सोशल मीडिया में इसके अनाउंसमेंट किया है कि वापस उन्होंने बॉलीवुड में काम करने वाले है। इनफैक्ट तनुश्री दत्ता के पास कुछ प्रोजेक्ट भी आ चुका है एंड उन्होंने उस सब प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले है। एंड कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले ये रिलेटेड कोई तो खबर सामने आया नहीं, लेकिन उन्होंने उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है एंड अभी तक उन्होंने 15 kg वेट ऑलरेडी लूज कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। लास्ट कुछ ईयर में सैफ अली खान कुछ नया नया काम कर रहा था, जैसा आप देख लीजिए सीक्रेट गेम्स, आप देख लीजिए जवानी जाने मन, तनहा जी जैसी काफी अच्छा अच्छा फिल्म एंड कुछ अच्छा अच्छा फिल्म के अंदर काम करने के बाद काफी अच्छा सपोर्ट एंड हिट भी हुआ था एंड उसके बाद अब चर्चा में भी आ चुका है सैफ अली खान एंड इसी वजह से वो जितने चार्ज लेते थे एक फिल्म करने के लिए उसका डबल कर दिया। एंड कुछ न्यूज पोर्टल के थ्रू खबर ये भी सामने आया कि उन्होंने पहले एक फिल्म करने के लिए 3 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास पैसा लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने 11 करोड़ के आसपास उन्होंने एक फिल्म के लिए चार्ज लेते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ फिल्म OTT में अगर रिलीज करेगा तो वो और भी ज्यादा हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अब शाहरुख खान के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकता है ऋतिक रोशन फैंस। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते। शाहरुख खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट पठान, जिसके लिए ऋतिक रोशन की मूवी वार 2 अभी पेंडिंग में है एंड जब से वार फिल्म सक्सेस हुआ उसके बाद डायरेक्टर श्रीदत्त आनंद भी अनाउंस कर दिया कि वार 2 होने वाले और जिसके लिए ऋतिक रोशन भी काफी एक्साइटमेंट भी है। एंड अगर दूसरे साइड की बात करूँ तो पठान मूवी, जो कि 200 करोड़ से भी पैसा खर्च करने वाले है यशराज फिल्म एंड वार 2 भी यशराज फिल्म के बैनर से ही आएगा एंड ये दोनों मूवी डायरेक्ट करेगा श्रीदत्त आनंद। तो यशराज फिल्म ये नहीं चाहते है कि पठान मूवी बहुत ही फ्लॉप हो एंड एट द सेम टाइम वार मूवी भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के लिए कोशिश रहेगा एंड ये दोनों मूवी का डायरेक्टर एक ही है, इसीलिए अभी वार 2 का शूटिंग होल्ड में रखा है। शाहरुख फैन तो बहुत ही एक्साइट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकता है ऋतिक रोशन फैंस। तो दोस्तों कैसा लगा आज की ये सब न्यू बॉलीवुड अपडेट सुन के, जरूर बताना आपकी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप भी ये चैनल में पहली बार है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सपोर्ट करते रहना, देखते रहना फिल्मी गाय। टेक केयर, बाय बाय।